बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल नाज़रीन, PSL 5 का मेला जो है पूरे पाकिस्तान में सज चुका है और आपको जैसे कि पता है कि टीमें बाहर से भी कुछ लोग इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में PSL 5 की रंगारंग तकरीब में शामिल हुए हैं और मैच का हिस्सा है। जहां पर मैच के सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर दीगर लोगों को भी, आप मेरे पीछे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है तो ये हमारी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पा रहा है कि टीमें जा रही हैं और सिक्योरिटी के फुल इंतजाम हैं यहाँ पर। हम इस वक्त है मार रोड पे, एक डेविस रोड को रास्ता निकलता है और दूसरा जो है वो पंजाब असेंबली की तरफ ये रास्ता निकल जाता है मार रोड पे। मार रोड पे मौजूद है। इसके साथ ही आपको ये बताएं कि सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं यहाँ पर और लाहौरियों के लिए, क्योंकि स्टेडियम तक इसी तरीके से फुल सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो इसी तरीके से चलते आ रहे हैं। लोगों को ये जो डिवर्जनें लगी हुई हैं, लोगों को इनसे तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि PSL 5 का जो मेला इस टाइम सजा हुआ है, यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम है। पूरी कौम को ये मैसेज दिया जा रहा है, पूरी कौम को मैसेज दिया जा रहा है कि आए पाकिस्तान, PSL 5 को इंजॉय करें शहर लाहौर में, स्टेडियम में, क्योंकि कोई भी टीम, बेसिकली कोटा ग्लैडिएटर हो, मुल्तान सुल्तान हो, लाहौर कलंदर हो, या कराची किंग हो, या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान PTI की तरफ से मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आप मेरी तरफ लाइव ये जो मनाजर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से मैच के ये जो मनाजर है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ तरीके से इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर सिग्नल जो है वो जैम कर दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो जा रहे हैं। आप प्रोटोकॉल भी देख सकते हैं जो कि वज़ीरे आला उस्मान बुज़दार ने ये इनिशिएटिव लिया, इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और इसी इनिशिएटिव को लेते हुए PSL 5 के आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अभी हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि जो डिवर्जन लगी हुई है, इस डिवर्जन से लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि जहां पर लाहौर शहर जिंदा दिलाने लाहौर, ये खुशियों का शहर है, यहां पर ख्वाबों का शहर है, यहां पर लोगों को खुशियाँ मुसर्रत मिलती है, लेकिन वहाँ पर लोगों से ये भी पूछना है कि उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। हम लोगों से भी जानते हैं और अभी आपने प्रोटोकॉल देख लिया जिस तरीके से ये चल रहा था। अभी हम सिक्योरिटी के भी कोशिश करेंगे अफसरान से बात करने की, अगर वो कर सके, और बाकी दीगर जो है उनसे भी बात करते हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम जी, मैच के हवाले से डिवर्जन लगी हुई है, आपको पता सिग्नल बंद है, बड़ी देर की ट्रैफिक रुकी हुई है, तो आप समझते हैं कि ये स्टेडियम इसी जगह पे होना चाहिए और लोगों को मुश्किल का सामना जो करना पड़ रहा है, आपको मुश्किल हो रही हैं या नहीं हो रही? मुश्किल तो हो रही हैं, ये देखें कितनी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, बड़ी मुश्किल से लोग आ जा रहे हैं। और एक बात तो अच्छी है कि मैचेस वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए प्लेस कुछ या तो होटल्स वगैरह जहाँ पे टीमें ठहरी हुई हैं उनको उनके करीब ही कर दिया जाए ताकि ये रास्ते वगैरह, इनका कहना है कि मुश्किलात हो रही हैं जहाँ पर टीमें हमारी ठहरी हुई हैं उनको थोड़ा दूर होना चाहिए, वो जगह दूर होनी चाहिए पब्लिक प्लेस से ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। हमारे साथ एक और लाहौरी मौजूद है शहरी, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिवर्जन की वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है, कोई परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि घंटों घंटों ट्रैफिक बंद रहती है? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैच की वजह से समझ लें हम तो खुश हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना ये सही नहीं किया इन्होंने। अच्छा, मैच की वजह से तो खुश है आप? हाँ जी बिल्कुल, मैच की वजह से खुश है, इनको चाहिए कि ट्रैफिक के लिए ये जो निज़ाम है ना ये अलग रास्ता कोई निकाले इसके लिए। चलें, थैंक यू। जहाँ तक बिल्कुल लाहौरियों के लिए ये खुशखबरी है कि PSL 5 की पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खेली जा रही है, वहाँ पर साथ साथ सिक्योरिटी के भी मसाइल चल रहे हैं लोगों के, क्योंकि डिवर्जन लग जाती है, लोगों को काफ़ी हद तक जो है परेशानी होती है, काफ़ी देर तक लोगों को सिग्नल्स पे रुकना पड़ता है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम खुश हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में हो रही है। और जैसे कि मेरे कैमरा मैन ने भी आपको दिखाया अली ने कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम है, लाहौर पुलिस ने बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए अपने हमेशा ही फर्ज अदा किया है। हमारे साथ कुछ जवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टीम कोई भी जीते, जीतेगा तो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी जनाब मीर बलोच नाम है मेरा। मीर बलोच साहब, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं?
ये हम सब टीमों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हम लाहौर के हैं तो लाहौर के अंदर को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बस सामने देखेंगे जरा, लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर के रहने वाले हैं जी? लाहौर के रहने वाले, लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा, अगर कोई और टीम जीत जाती है तो फिर आप सिक्योरिटी नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, आपको पहले बताया हमने कि जी हम सब टीमों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी आप सब टीमों को देंगे? बड़ा इनिशिएटिव है जी इनका। ये बलोच साहब ये कह रहे हैं कि हम कोई भी टीम जीते पूरी टीमों को सिक्योरिटी दी जाएगी। इनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? यार लाहौर कलंदर को ही कर रही है। लाहौर कलंदर के दीवाने हैं तो सर, लाहौर कलंदर तो हमेशा ही हारती है। आप समझते हैं, आप सुपर लीग जीतेगी लाहौर कलंदर? हारे या जीते, देखे लाहौर हमारा दिल है, पाकिस्तान का दिल है, ये कैसे हो सकता है हम लाहौर को छोड़ के किसी और को सपोर्ट करें? अच्छा ठीक है, बिल्कुल लाहौर बेनिफिट इंशाल्लाह। लाहौर कलंदर जीतेगी। राणा फास साहब, आपके दीवाने और भी निकल आए लाहौर कलंदर के, कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर ही जीतेगी। उम्मीद करते हैं लाहौर कलंदर जीते जी। कुछ कहना चाहेंगे? हो ही नहीं सकता कि हम लाहौर के अलावा किसी और को सपोर्ट करें, हम यहाँ की पैदाइश है हमारी। सिक्योरिटी तो आप सबको देंगे ना? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सभी आ रहे हैं माशाल्लाह, बाकी दूसरे कंट्रियों से भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी या दूसरे जितने जो से भी शहर के, सिक्योरिटी तो हमारा काम है देना। नाम क्या सर आपका? मेरा मोहम्मद आसिफ खान। मोहम्मद आसिफ साहब, कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई परेशानी तो नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने देखें, आप काफी देर से कवरेज कर रहे हैं यहाँ पे, आपने खुद भी देखा होगा, सारी तरफ से हमने सिर्फ जब हमारा जीरो होता है वो 6 से 7 मिनट के लिए, सॉरी 6-7 मिनट के लिए होता है, जीरो होता है तभी हमारा मामला। बाकी आप देख लें ट्रैफिक चल रही है, उससे पहले भी आपने देखा है, रूट जीरो होने से पहले भी आपने देखा, सिर्फ ये 6 से 7 मिनट के लिए ट्रैफिक रुकती है, वो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आप देख दोबारा कवरेज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने लोगों से पूछा, लोग कह रहे हैं कि अगर कोई थोड़ी बहुत डिवर्जन लगने से हमें कोई परेशानी आती है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खेली जा रही है। और हम आपके बड़े मशहूर हैं सर, आवाम आपकी बड़ी मशहूर है, आप आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके से ट्रैफिक में हमारा साथ दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना बढ़े? दीगर ममालिक से जो लोग आए हुए हैं पाकिस्तान में सुपर लीग को देख रहे हैं या आए हुए हैं टीमों के साथ, उन्हें अच्छा मैसेज आए? देखें सबसे पहले तो मैं सब लाहौर की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें यकीन है इंशाल्लाह आगे भी हमारे 22 तारीख तक मैचेस जाने हैं, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। आपने देख लिया जी, मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे हैं कि मैं लाहौर कलंदर का दीवाना हूं, लेकिन हमारे लिए सिक्योरिटी जो है वो सबसे अव्वलीन है और हमारा फ़र्ज है कि हम इनको सिक्योरिटी देंगे अपनी जान से खेलकर। जी बिल्कुल, जहां तक मैच के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, आपको मेरे कैमरा मैन ने दिखाया है, वहाँ पर लोगों को मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा था क्योंकि डिवर्जन लगी हुई थी। ये डेविस रोड है जहाँ पर हम खड़े हैं, मार रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड पर, यहाँ पर भी डिवर्जन लगी हुई थी। अभी हमारे साथ शायकीन क्रिकेटर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें मुसरत मिल रही है या तकलीफ मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, मैच देखते हैं आप? जी बिल्कुल। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान के शौकीन हैं आप? आपका नाम क्या है? अभी मुनीब अहमद। मुनीब, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, यहाँ पर मुल्तान से आए हुए हैं आप लोग? जी, हम यहाँ टेस्ट देने आए हुए हैं। टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर अली। आप कैमरे की तरफ देखेंगे, नासिर अली किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पेशावर जलमी को। पेशावर जलमी को जी। अफरीदी ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, डैरन समी को। डैरन समी को, डैरन समी को, डैरन समी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। आपके क्या ख्याल में PSL 5 जो है इस साल पूरे पाकिस्तान में ये तकरीब मुनक्कद की गई और PSL 5 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही खेला जा रहा है, आप समझते हैं कि अगली दफा भी जो भी हुकूमत हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, कोई भी हुकूमत हो, PSL 5 यहीं पर होना चाहिए? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि हमें क्रिकेट देखने का मौका मिले लाइव, हमारे अपने मुल्क में हम देखेंगे लाइव। टिकटें वगैरह सस्ती मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने ली हैं, क्रिकेट 13 तारीख को है, पेशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान का, वो मैच देखना। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ट्रैफिक क्योंकि डिवर्जन लगी हुई है, ये बताइएगा कि इस ट्रैफिक से आप मुतासर हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, थोड़ी बहुत मुश्किल होती हैं हर इंसान को, चलें ये कुछ टाइम के लिए हैं, लेकिन हमारा फ़ायदा भी है, इसमें टीमें आ रही हैं और हम मैच देख रहे हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, कोई तो मुल्तान सुल्तान का दीवाना है और कोई कराची किंग का और कोई कोटा ग्लैडिएटर का और कुछ तो लोग लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के दीवाने हैं, लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर
کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے لیکن میچ کی مسرت جو خوشی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹریفک معمول کے مطابق آ چکی ہے, لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں, لیکن یہاں پر لاہوریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیم کوئی بھی جیتے جیتے گا تو پاکستان. جی بالکل, پاکستان سپر لیگ کا جہاں پر لاہوریوں کو خوشی تو ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ مکمل طور پر پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے اور لاہور شہر میں کافی زیادہ میچز اس کے ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں شائقین کرکٹر کی طرف سے. وہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیکورٹی کے مسائل ہیں, ڈیورژن لگ جاتی ہے روڈ پہ اور کافی دیر تک گھنٹوں گھنٹوں تک ہمیں ٹریفک سے دو چار ہونا پڑتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان سپر لیگ پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ اچھا انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیکورٹی معاملات کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اچھی سیکورٹی کے لیے انہیں چاہیے کہ لاہور سے باہر جو باقی علاقے ہیں کھلے ایریاز ہیں وہاں پر اگر سٹیڈیم وغیرہ ہوں اور ان کی رہائش کا بندوبست ہو تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. جیسے کہ میرے کیمرہ مین فرزند علی نے آپ کو سیکورٹی کے فل پروف انتظامات دکھائے کہ ہم مار روڈ پہ کھڑے تھے اور پیچھے سے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات تھے, پاکستان کے لیے یہ باہر اچھا میسج آ رہا ہے اور ہم اس بات پہ خوش ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت, اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.